संगीत खून की पुकार, जमींदारों का जुल्म उर्फ डाकू। मतलब स्वेटर कोई नहीं आया है जी सरकार जी। सुनो मेरी बात, और हमारे और ग्रोहों का उसको पता हमारे ग्रोह का उसको पता बना भी मुश्किल है। अगर आज कोई डर जाते हैं, सेठ बनिया महाजन से नाम सुनकर मेरा खुद ही साथियों, अगर चाहिए पुलिस अड्डा जानती है तो अड्डा छोड़ दिया जाए, चलो पीली पहाड़ी की तरफ चलते हैं। और मेरे साथ सबकी दमा लेकिन सुल्तान सिंह खैर मनाओ उस वक्त की, तेरे नाम की हथकड़ी बन चुकी है। अरे तेरे नाम की हथकड़ी बन चुकी है, तुझे अगर फांसी के तख्ते पे नहीं सुला दिया तो मेरा भी नाम सिकंदर नहीं आए, क्योंकि तूने मेरे यार को तड़पाया है। अरे तूने मेरे यार को तड़पाया है, तुझे वो मौत दूंगा ताकि जीवन में कोई भी इंसान सोच नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भाई होता है उससे बढ़कर मेरा भाई विक्रम है। ठीक है मेरे यार, इंतजार कर उस वक्त तक आंसू बहा मेरे दोस्त। हाँ मेरे यार, मेरे दोस्त सिकंदर, अब मुझे अपने साथ लेकर कहीं मत ले चल, क्योंकि मेरा ठिकाना नहीं है। क्योंकि सिकंदर मेरे दिल के अंदर वो ज्वाला जलती है, मेरे दोस्त सिकंदर मेरे दिल के अंदर वो ज्वाला जलती है कि जब तक मैं उन मक्कारों का खून नहीं कर दूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और मेरे दोस्त सिकंदर तू अपने थाने वापस चला जा, और मेरा तू इंतजार मत कर, और मैं तेरे साथ में नहीं चल सकता। नहीं मेरे यार, तेरे साथ में चलना होगा, तेरे साथ में इंसाफ होगा। अरे इंसाफ दिलाने के लिए सिकंदर तेरे पास आया है, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। आज तू मेरे साथ चल। दोस्त सिकंदर, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, नहीं तो दोस्ती में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, भूल जाऊंगा दोस्त दोस्त को, आज तुझे चलना होगा मेरे साथ। सिकंदर अगर चाहिए बात है हाँ, तो मेरे नाम की कारतूस अगर बन जा चुकी है तो नहीं,
अब मुझे क्या करना चाहिए? इस सामने बेबान जंगल दिखाई पड़ता है, बस पार्क से होकर निकल जाऊंगा। सिकंदर तू अब मुझे नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। सिकंदर सिटी बाजार है, जंगल वाले जंगल में यहाँ मंगल, क्योंकि ये घना जंगल है। हाँ, इसमें घुसना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि ना जाने कहाँ कौन से शेर बाघ बचे हैं। अरे वाह विक्रम, हमारे दिल में कौन सी उम्मीदें थी और तूने क्या कर दिया? मैंने तो सोचा था तुझे इंसाफ दिलाऊंगा, अरे लेकिन एक दोस्ती के नाम पर धप्पा लगा दिया, तू मेरा साथ छोड़कर चला गया। लेकिन नहीं विक्रम, आज मैं तू मेरे साथ नहीं है, आज मैं जा रहा हूं सुल्तान सिंह की हवेली पे, अब उसे अरेस्ट करके चलो। यही सामने पे पार्क दिखाई पड़ता है, यही सामने पार्क दिखाई पड़ता है, इसी के साइड होकर बियाबान जंगल दिखाई देता है, वहीं चला जाऊंगा। वहीं जाकर के अगर किसी ने मेरा साथ दिया तो अपना कोई एक नया ग्रोह तैयार करूंगा। बस एक ही रास्ता मुझे दिखाई देता है, चंबल 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 चलता होगा तो देखा जाए। क्या बताऊं विक्रम, मुझे तुमसे कितने दिन हो गए हैं मिलने हुए, तुमने वादा किया, वादे पे तुमने मिला नहीं, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। परदेसी, लौट के वापस आ जाओ मेरे परदेसी। ओ परदेसी घर लौट के आना, वादा मिलने का भूल न जाना, तेरी याद सताती विक्रम। तुमने जीने मरने की वादा किया था, मुझसे कसमें खाई थी, क्या वही विक्रम आज मुझसे छुटा रहा है मुझे? कजरी एक बात सुन, मैं तुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार अपना ठुकरा रहा हूं, तुम विक्रम की नहीं हो सकी, तो जा निकल जा, मैं तेरी शक्ल से नफरत करता हूं। नहीं विक्रम, मैं तुम्हें छोड़ के मत जाऊंगी। सुन, अगर यही सुनना चाहती है मैं किस लिए तुझे ठुकरा रहा हूं। हाँ विक्रम, कजरी जो तेरा बाप लाला लाल बिहारी है, जो तेरा बाप लाला लाल बिहारी है, आज मुझे ही पता चला है कि मेरी माँ और मेरे पिता का खून में फोन करने में तेरे बाप लाला लाल बिहारी का हाथ है। ये क्या कह रहे हो विक्रम? सच कहता हूं, झूठ नहीं सच है, अन्यथा ना हो तो जाकर के तू अपने बाप से मालूम कर ले क्या भेद सच है या मेरी बात झूठ है। ठीक है विक्रम, मैं जाके अपने पापा से पूछूंगी तुम्हारी बात ये झूठी है कि सच है। विक्रम कहो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपने कभी निकाल नहीं पाऊंगी। क्या कहा? मैं तुझे उसी दिन अपनाऊंगा, मैं तुझे उसी दिन अपनाऊंगा जिस दिन तुम मेरे माँ और बाप का पता न बताएगी। हाँ, कौन खूनी है और किसने खून किया है? विक्रम, फिर जाके तुमसे सारी सच्चाई बताऊंगी।
झूठी होगी या सच होगी अपने पिताजी से पूछ के सारी बात बताऊंगी। जा, तू निकल जा, मैं तेरी शकल से नफरत करता हूं। जा विक्रम, काओ उससे ऐसे मत ठुकराओ वरना बहुत पछताओगे। हाँ विक्रम, इस दुनिया में क्या हुआ, मेरे लिए सब अंधेरा दिखाई देता है कजरी, अंधेरा। विक्रम कहो, हम जैसा तुम्हें तुम दिलबर नहीं मिलेगा। जा कहीं की, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा घर ना मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। अब जब लाला लाल बिहारी के पास में पहुंचेगी, अपने बाप से हट करेगी, इसी के बाप देखो साला बताता है या नहीं। अगर बताएगा तो मैं इसे अपनाऊंगा, अन्यथा मैं ठोकर मारता हूं। कजरी तू भी एक दिन जरूर पछताएगी। अगर पता चल गया मेरे बाप का कातिल कौन है, मेरी माँ का खूनी कौन है, तो लाला लाल बिहारी तुझे भी साले जीवित नहीं छोड़ सकता। और याद रखना बशीर खां, मैं तेरा दुश्मन बन गया, अब तू नहीं बचेगा। अगर मैं बच गया तो तू नहीं बच सकता। लखन जय गोपाल लाड़ा, जय गोपाल, जय गोपाल। कहो पहरन करके अंदर कोई फर्क ठाने की जरूरत तो नहीं करता। अरे लाला जी, आपके होते हुए किसी की औकात नहीं और कभी नहीं सकता, कभी नहीं। चेयर कहाँ है रे? अबे चीर के लाई थी। क्या चीर के लाओगे? 50 जूते मारूंगा, होने वाली औलादे गंजी पैदा हो। चलते फिरते नजर आओ। कजरी तमाम दिन से नहीं नजर आई है, हमेशा काम में पड़ी रहती है वो। नमस्ते नमस्ते। जब भी हमारी प्यारी सी गुड़िया मेरे सामने आती थी तो हमेशा मुखारविंद के ऊपर मुस्कुराहट। आज मैं क्या देख रहा हूं, सर को नीचे किए खड़ी है। हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो पापा, क्या कहना चाहते हैं? बेटी कजरी, आखिर ऐसी कौन सी बात है तो आज चेहरा क्यों उदास किए बैठी हो? अर किए उदास चेहरे को पड़ा कब कीन बैठी हो, किए उदास चेहरे को पड़ा कब कीन बैठी हो, नहीं है आखिर भी कौन सी बात। अरे भैया भाग गया आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आज बोलो ऐसा बोलो ऐसा। मैं आपको अवश्य बताऊंगी पापा। बोलो पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ पापा। सुनिए पापा, तो लोग मुझको ताना सुनाते सभी, पापा है एक कसाई बने।
हर एक लड़की को लेके ठाकुर के हवाले करें, ऐसा धंधा ये करते कजरी। हाँ पापा, मैं आपके कुछ बात को समझा नहीं। अरे मेरे आज बे ये क्या कह रही है, पापा किसने बहकाया है तुम्हें? आप सुनते वही जो मैं सच्ची हूँ बताती, आप सुनते हैं वो जो मैं हूँ बताती, यही राज है जो मैं औलाद के लिए मरता है। हम सब समझ गए क्या कहना चाहती हो। अरे सुल्तान सिंह मेरा छान का टुकड़ा है वो। आज तक हकीकत देनी है जो ये हवेली है तो सुल्तान सिंह की देनी है। जो खाना खाती हो सुल्तान सिंह की देनी है, कपड़ा पहनती हो सुल्तान सिंह की देनी है। आज मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे नहीं सुल्तान से प्यार करते हो और सुल्तान की दौलत से प्यार करते हो। कजरी। हाँ पापा। तो बस खबर दो आर चुपा रोक ले बस खबर। आर चुपा रोक ले ये जो पाप को दोबारा चलाना नहीं, वरना मैं जांच कर दूं अंतिम कान तेरी मेरे गुप्ते को फायर हचाना। आज के बाद सुल्तान सिंह का नाम लाला जी मिटियाओ का नाम आ रहे हो मिटियाओ। अरे मारे हो ना देखा मारे वाली बिटिया नहीं है। तेरे शाह मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तू मेरी इकलौती पुत्री है। अब तेरे आंखों में आंसू कभी लाल लाला लाल बिहारी नहीं देख सकता। बेटी कजरी, कजरी ये जिद करती हो कि वहां हमें जाना नहीं ठीक है तो तेरी कसम रोना बंद, तेरी कसम खा के कहता हूं आज के बाद सुल्तान सिंह के यहां एक दिन के लिए नहीं जाऊंगा।
अरे खाना तो दो रहा, आज के बाद उसका नमक तक की तरफ नजर नहीं डालूंगा। मैं कसम खाता हूं, लेकिन बेटी ये राज को राज रहने देना, लेकिन ये हकीकत किसी को मत बताना। आप जाना नहीं वहां। और आज हम मंदिर जा रहा हूं और तुम जाकर के घर के अंदर आराम करो। ठीक है पापा। जाओ जाओ। मैं जा रही हूं। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा। वास्तव मेरी बेटी कदरी ने आज आके खोल दी। आज तक मैं क्या करता रहा, फौरन करके अंदर एक नहीं लाखों का घर मैंने उछाल दिया, लेकिन नहीं आज के बाद अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे राम जी के लागी, लागी। आज ये मैं क्या देख रहा हूं, आज करीब करीब एक हफ्ता हो रहा है, आज करीब करीब एक हफ्ता हो रहा है, लेकिन बिहारी लाला मुनीम हमारी हवेली के पास नहीं आया है और उसने मुझसे मुलाकात तक किया है। मुझे क्या करना चाहिए? आज चलकर लाला बिहारी मुनीम के घर की तरफ मुझे पता जरूर लगाना चाहिए आखिर बात क्या है और राज क्या है, जो कि बिहारी लाला हमारी हवेली तक नहीं आया है। ऐसा तो नहीं है कि बिहारी लाला मुनीम कोई पासा पलट रहा हो? इससे पहले मुझे फौरन बिहारी लाला मुनीम के घर की तरफ चलना चाहिए। लाला बिहारी लाल मुनीम, मैं तेरी खोज में तेरे घर की तरफ आ रहा हूं। हाँ अब क्या करी हो, अब क्या करी हो, चली गई परधानी, अब क्या करी हो। नाली खड़ंजा मा खूब तुम खाए हो, खुदे तान फिर से खुदवाए हो, भराय ना पायो पानी, अब का करी हो। क्या बताऊं, मेरे पापा ने कहा है घर पे रहना, ठीक है मैं कहूं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने घर पे रहूंगी, हो सकता है मेरा विक्रम मुझे मिलने आ जाए। तुम याद ना आया करो, मैं क्या देख रहा हूं, ओ नमस्ते नमस्ते, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरा नाम कजरी है, मैं लाला मुनीम की बेटी हूं। आपका नाम कजरी है और आप हमारे दोस्त लाल बिहारी मुनीम की बेटी है, लेकिन कजरी मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हैं? एक बात मैं तुमसे मेन पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हैं? पूछो ना। तो बोलो कजरी, और कहां है पिता? मुझे से मिले
देते रही और ये आँखें मेरी घर में भी ना है मुझको नजर जानना चाहता हूं बेटी कजनी तुम्हारे पिताजी ना तो एक हफ्ते से हमसे मुलाकात किया है और ना तो वो हवेली की तरफ गए हैं क्या कोई जरूरी काम से वो कहीं बाहर गए हैं अरे मेरे पापा पता नहीं कहां को गए हैं मुझे बता नहीं गए हैं कहते थे कि दो चार दिन में मैं आ जाऊंगी आपके पिता घर नहीं है जी और तुम्हें मालूम भी नहीं है मुझे मालूम नहीं है आज मैं घर पे अकेली हूँ मेरे पापा हो सकता है आते ही हो ओह अगर जी आपके पिता घर में नहीं है तो कजरी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं सुनो मेरी बात और माँ है पारा और मुझे वाले की अरे कीड़े इतने इतने पर चाहे हमको सब दूरी रखिए अपनी